अब मध्य प्रदेश के बड़े बड़े अधिकारी आजकल गाली खोर हो गए हैं। वो इतनी गालियां देते हैं और इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं कि भगवान कसम हम बता नहीं सकते। लेकिन अब ताजा मामला मध्य प्रदेश के सागर जिले के रैली जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत समरिया नायक से आया है, जहाँ के एक सरपंच ने अपने रोजगार सहायक सचिव को इतनी गंदी गंदी गालियां दी हैं कि हम शब्दों में तो बता नहीं सकते। और इस वायरल आइडियो में हमने इतनी बीपे लगाई हैं कि पी पी लाला सुनते सुनते आपके कान बहरे हो जाएंगे। बस वजह यही है कि इनने इतनी गंदी गंदी गालियां दी हैं कि वो हम आपको सार्वजनिक नहीं सुना सकते। हालांकि अब आपको बता दें कि एक सरपंच अपने रोजगार सहायक सचिव पर इतने गुस्सा हुए कि उन्होंने सचिव के साथ साथ जनपद पंचायत के कुछ लोगों को भी इतनी गंदी गंदी गालियां दी हैं कि जिसका आइडियो जरा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि अब सरपंच ने क्यों गाली दी है ये उनके मन की बात है, और मन की बात तो अकेले देश के प्रधानमंत्री और यह है समरिया नायक के सरपंच ही जान सकते हैं और किसी को कोई पता नहीं रहता है। हालांकि आप क्या करें, किसी को अगर गुस्सा आ जाता है तो वो बड़ा हावी हो जाता है। अब इन सरपंच भाई साहब को भी जब गाली देने से पूरा नहीं पड़ा तो बेचारे एक रोजगार सहायक को जाति सूचक शब्दों के साथ भी उन्होंने अपमानित किया है, जिसका आप यह आइडियो सुन सकते हैं। यार गंदी गंदी गालियां दी हैं जिसका यह आइडियो आप सुन लीजिए। लेकिन जहां उन्होंने गालियां दी हैं हमने थोड़ी से उसमें बीपे लगा दी हैं। बस वजह यही है कि वो हम गालियां आपको नहीं सुना सकते, मतलब नहीं सुना सकते यानी इतनी गंदी हैं कि हम सुना ही नहीं सकते। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में आवेदन लिया है और सचिव ने इस पूरे मामले का आवेदन दिया है जिस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सरपंच साहब ने कैसी गाली दी है उन गालियों पर हमने बीप लगाई है, और हमने वहां पर इसलिए बीप लगाई है कि वो हमारे प्रोटोकॉल के खिलाफ है और इसलिए हम वो गाली आपको सुना नहीं सकते। लेकिन इन्होंने गाली बहुत गजब गजब की दी है और इतनी गाली दी है कि अब आप खुद ही सुन लीजिए यह वायरल आइडियो। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस के पास शिकायत पहुंची है, कार्रवाई क्या होती है यह वक्त रहते पता चलेगा। यह समरिया नायक के रोजगार सहायक ने पुलिस को आवेदन देकर गुहार लगाई है कि उनके सरपंच ने उन्हें गंदी गंदी गालियां दी हैं, और यहां के सरपंच का नाम द्वारका प्रसाद कुर्मी है भगवान कसम। फिलहाल आप यह आईडी सुनिए। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर एक्सप्रेस, रहली। फार्म ट्रैक लेकर आया है त्योहार धमाका, अब ट्रैक्टर खरीदी पर पाए एक सुनिश्चित उपहार। किसानों के लिए फार्म ट्रैक ट्रैक्टर बना अभी तक का नंबर वन ट्रैक्टर, तो देर किस बात की, ट्रैक्टर खरीदने के लिए अभी संपर्क करें भूपेंद्र पड़रिया 94-25-99-99-20। हमारा पता है पड़रिया ट्रैक्टर से, शोरूम चांदपुर रोड, रहली, सागर।